आज हम जा रहे हैं विश्राम घाट यानी यमुना। राधे राधे, जय बिहारी जी की, श्री हरिदास। आज हम आए हैं मथुरा विश्राम घाट पे। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था, तो आज हम आपको यहाँ पे कम से कम 3-4 घाट आपको घुमाएंगे और उनके बारे में हमारे जो नौका चलाते हैं ये भैया हैं हमारे, उनके बारे में, सारे घाटों के बारे में आपको बताएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड तक। हाँ जी भैया, हाँ हाँ जी, तपस्या करते थे, यहाँ पर वो क्या है तो दूसरी को लाते थे तो फिर रोटी रोल करते थे। जी भैया, ये पुराना बोल के इतिहास में गुजर गया था। जी भैया, हाँ जी भैया, ये सूरज घाट है क्या? जी भैया, यहाँ पर है क्या है, गुजरात में गुजराती लोग होते हैं ना सूरत पे। जी भैया, लोगों ने बनवाया ये घाट। अच्छा, जो सूरत, जो गुजरात में सूरत है तो वहाँ के सूरत के लोगों ने वो बनवाया, तो इसलिए सूरत नाम रख दिया इसका। अच्छा भैया, ये अच्छा उनकी एक धर्मशाला है ये सूरत वालों की। तो भैया यहाँ पर टोटल ये 25 घाट है, तो 25 घाटों में से हम कितने घाटों के बारे में जानेंगे आज? फिलहाल तो 4-5 के में जानेंगे आप। जी भैया, अच्छा ये संत घाट है। पहले ये मस्जिद थी। हाँ हाँ, लोग आके सेवा पूजा करते थे यहाँ पर। लोगों ने गिरिराज जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर बना दिया है इसको। अच्छा, इसको संत घाट, जो भी साधु आता है यहाँ पर रहता है, हाँ, 15 दिन 20 दिन 2 महीने 4 महीने अपना प्रसादी पाता है, आनंद लेता है, हाँ, भजन करता है, उसको बोलते हैं संत घाट। ये है संत घाट, जैसा कि आप देख रहे हो, जो भैया ने बताया था। पहले यहाँ पे मस्जिद थी, तो यहाँ पे हमारे साधु संत लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चना करके यहाँ पे हनुमान जी का, भगवान श्री राम का यहाँ पे पूजा करी है, जैसा कि आप सब देख सकते हो इस वीडियो में। ये कौन सा घाट है भैया? अच्छा, भगवान को लेकर गोकुल नदी गए थे, जैसे नदी को क्रॉस करते हुए गंगा पार होकर गोकुल गांव गए थे। अच्छा, इसको बोलते हैं वासुदेव घाट। वासुदेव घाट, इसको स्वामी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पे यमुना जी की सफाई चल रही है, तो उसी वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा, हम बहुत नज़दीक से इन घाटों को देख पाते, लेकिन उसी वजह से थोड़ा काम चल रहा है तो हम नहीं देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यमुना जी का। मथुरा में यमुना घाट पे हैं फिलहाल हम। हाँ भैया, ये कौन सा घाट है? ये रानी घाट है। अच्छा, ये रानी घाट है। हाँ जी भैया, रानी ने बनवाया था भरतपुर वाली ने। अच्छा, वो यहाँ पर ये सामने जो गेट बनना है दरवाजा जो, हाँ हाँ, मंदिर है यमुना जी का, इसका ये वाला, इसमें मंदिर है यमुना जी का। अच्छा, इसको बोलते हैं रानी घाट। रानी घाट, अच्छा। देख, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, भैया बता रहे हैं हमारे, ये रानी घाट है, जो कि इसके अंदर यमुना महारानी की जो पूजा होती है। और ये पीछे वाला, ये है जो सामने वाला, वो वासुदेव घाट है। और आगे हम जानेंगे, कंस का किला है आगे, कंस के किले के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है कंस का किला, जो कि वासुदेव घाट और जो रानी घाट है वहाँ से गंगा घाट है, उससे आगे वाला है ये कंस का किला। भैया, इसकी कहानी क्या है आप ज़रा बताएंगे? कहानी ये है कि यहाँ का राजा था कंस, ये बनवाया था, 5,500 साल पुराना है ये। अच्छा, 5,500 साल पुराना, अभी खंडर हो चुका था, अभी तो कवर बेल्ट है, इसकी मरम्मत करा दी है। अच्छा, क्योंकि आप लोग बाहर के लोग जो आते हैं दर्शन आरती, हाँ, उससे कंस के जमाने का कुछ बनाया क्या नहीं बना यहाँ पर, हाँ, तो केवल ये ही कंस का किला बना हुआ है, इतिहास है ये पुराना। अच्छा, तो इसमें भैया अभी जा सकते हैं या नहीं? जाने में, देखने में कुछ वो नहीं है, मगर अंदर कुछ है नहीं है देखने वाला, खंडर हो गया है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या चीज़ है स्पेशल है जिसमें हम देख सकते हैं? इसमें देखने वाला कुछ नहीं है। अच्छा, केवल इसका निशान है, ये आप बोल रहे हैं कंस का किला है। हाँ हाँ, ये कंस का किला पुराना है, हाँ, लोग जो आते हैं यात्री लोग, तो पुराना स्कूल के बना हुआ है ये, केवल 1,000 के लिए 5,500 साल। अच्छा, राधे राधे। बड़ा ही सुंदर है नज़ारा कंस का किला, ये यमुना जी में। बड़ा ही सहयोग है हमारे भैया का जो भी बता रहे हैं, हालांकि पता हमें भी है सब कुछ, लेकिन भैया बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पर टोटल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 25 घाट हैं टोटल मथुरा में,
तो 25 घाटों में से हम जो आपको दिखा रहे हैं 4-5 घाट, ये मुख्य घाट हैं। जैसे रानी घाट हो गया, वासुदेव घाट हो गया, विश्राम घाट हो गया, और ये कंस का किला हो गया। तो यही सब हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम विश्राम घाट की तरफ। जो आपको आगे दिख रहा है सामने वाला, वो है विश्राम घाट। वहाँ पर जो शाम को बड़ी ही सुंदर आरती होती है यमुना जी की, यमुना महारानी जी की, बड़ी ही अच्छी आरती होती है। किसी दिन अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको शाम को, रात को मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा यमुना महारानी जी की आरती की। बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है देखने लायक। दीपावली के बाद अच्छा। जो आता है गंगा टीका करते हैं, हाँ, साल में एक बार स्नान होता है विश्राम घाट पर। साल में एक बार विश्राम, अच्छा, साल में एक बार विश्राम घाट पर स्नान करने से भैया वो जो उससे क्या मिलता है, क्या फल मिलता है? बहन भाई दोनों स्नान करते हैं हाँ हाँ यमुना जी है नहीं है, हाँ जी भैया शनिदेव जी बहन है, अच्छा शनिदेव की बहन, उसके उपलब्ध में स्नान होता है। हाँ यमुना जी से मांगा है कि जिसमें जो यमुना जी में बहन भाई स्नान करेंगे रोज वाले दिन, भैया रोज वाले दिन वो जमको नहीं आएंगे, उसी में ठाकुर जी के यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा तो क्या सी है? अच्छा ये देखिए, ये संत घाट, यहाँ पे महाकालेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। जो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है ये वाइट कलर वाला, यहाँ पे जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय ये है अस्कुंड घाट, अस्कुंडा घाट, अस्कुंडा घाट, इसकी कहानी क्या है भैया? अस्कुंडा घाट है, इसके ऊपर द्वारकाधीश का मंदिर है। अच्छा द्वारकाधीश का मंदिर है। यहाँ से तकरीबन मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जाते हैं अंदर, ये जो आपको दिख रहा है गाय जो खड़ी है, यहाँ से अंदर जाते हैं 30 मीटर की दूरी पे, कम से कम 30 मीटर की दूरी पे द्वारकाधीश जी का मंदिर। जो ये मंदिर है यहाँ से होली गेट से होते हुए आते हैं, नया बाज़ार में ये मंदिर पड़ता है द्वारकाधीश जी का, और यहीं से आप यहीं से द्वारकाधीश मंदिर से आप यहाँ पर विश्राम घाट के लिए आ सकते हो। हाँ जी भैया, ये क्या है? लक्ष्मीचंद सेठ का हवेली है। हाँ हाँ, यहाँ का जैनी था ये। अच्छा जैनी, हाँ, उसके परिवार में कोई संतान नहीं थी, संपत्ति बहुत थी उसके पास में। हाँ हाँ, तो उसे किसी ने पंडित ने बताया था कि यमुना जी की पूजा करोगे आप, हो सकता है कि यमुना जी आपकी इच्छा पूरी कर दे। अच्छा, उन्होंने यमुना जी की पूजा करी थी, उनके 60 साल के बाद में बच्चा हुआ था। अच्छा, उसी ने ये लक्ष्मीचंद सेठ ने द्वारकाधीश का मंदिर मथुरा के अंदर, और वृंदावन के अंदर रंगजी का मंदिर सोने का खम्भे वाला, अच्छा, उन्होंने बनाया था। अच्छा, ये मतलब जो मंदिर है ये भी द्वारकाधीश जो है कांकरौली वाले महाराज को दान कर दिया है। अच्छा, उसकी देखभाल लगती है। अच्छा, तो वृंदावन में रंगजी का मंदिर है वो महाराष्ट्रियों को जहाँ कर दिया है, मद्रासियों को दान कर दिया है, वो लोग वहाँ सेवा पूजा करती है। ये लोग जयपुर रहते हैं, इनका मोटा बिजनेस है। अच्छा, उन्हीं की हवेली के सामने तो ये उन्हीं ने बनवाया है ये हवेली उनकी, बहुत सुंदर, बड़ा ही अच्छा नज़ारा है। ये देखिए मणिकर्ण का घाट, देखिए ये विश्राम घाट है। यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, थोड़ा यमुना जी की सफाई चल रही है तो आपको मेरी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही हो, तो उसके लिए माफ़ी। यही है जो 25 घाट है मथुरा के अंदर, उनमें से ये मुख्य घाट है विश्राम घाट, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने कंस को मारकर यहाँ पर स्नान किया था यमुना जी में। स्नान करने के बाद में उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, आराम किया था। और बाद बाकी आगे की जो कहानी है आप हमारे भैया से सुनिए। हाँ जी भैया, आप बताइए। और विश्राम घाट, अच्छा भैया, कंस को मार के आराम किया था जी, के बाद में भैया को जो आता है धर्म टीका करते हैं। अच्छा, राधा कृष्ण का यमुना जी का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, जमराज जी का मंदिर है यहाँ पर, जमराज जी का। अच्छा, यमुना जी और जमराज और शनिदेव दोनों तीनों भाई बहन भाई हैं, ये उपलब्ध में स्नान होता है भैया दोनों भाई दिन। अच्छा, यहाँ का ये मुख्य घाट है, यहाँ का 12 घाट पीछे की साइड पड़ते हैं, कल की साइड में 12 घाट पड़ते हैं आपको विश्राम घाट से आगे पूर्व की तरफ, बीच में बोलते हैं इसको विश्राम घाट पर। अच्छा, हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे यहाँ विश्राम घाट पर, हमारा एंड हो रहा है क्योंकि आगे मिट्टी खुली पड़ेगी जी, हम लोग आगे कभी जा सकते हैं जी। देखिए ये है विश्राम घाट, ये लॉकडाउन का नज़ारा है। ऐसा लॉकडाउन से पहले यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी, यमुना जी की सेवा करते थे, यमुना जी की पूजा करते थे। यहीं पे ये जो जगह है, ये जो आप
ये जो वेल टंगी लगी है यहाँ पर, यहीं पे पूजा होती है शाम के टाइम पे। बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है देखने लायक। मैं आपको किसी दिन लाइव दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे आके। यमुना जी का दीपदान भी होता है, यमुना जी का यहाँ पे दीपदान भी होता है, आप आके दीपदान भी कर सकते हैं। यहाँ पे पंडा पंडित जी वगैरह हैं जो आपको दीपदान करा देंगे, आप किसी से भी बोल देना। अच्छा ये देखो, ये जो है आपको दिख रहा है सती घाट है, ये सामने वाला जो। अच्छा रानी थी, सती हो गई थी, उसको बोलते उसको सती घाट जी। तो ये जो भैया ने आपको जैसे बताया, कंस की जो रानी थी वो सती हो गई थी, तो उसी के नाम पे ये पड़ा है सती घाट। आप देखो यहाँ पे लिख भी रहा है, शायद आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, ये सती घाट है। यहाँ पे पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने यहाँ पे बैठने लायक जगह बना दी है, तो ज़्यादातर हमारे जो भक्त लोग हैं तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती, तो उसकी वजह से ये बना दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर साड़ी का चुनी मनोरथ होता है बहुत भयंकर, यात्री लोग आते हैं बाहर के लोग, वहाँ पर सेवा पूजा करके जमुना जी की पूजा करने के बाद चुनी मनोरथ करते जमुना पार तक जी, यहाँ से पार बोर्ड के द्वारा लेके जाते हैं, पार करके लिया फिर अपना पूरा करके फिर अपने अपने घर जाते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं सती घाट। सती घाट, तो यहाँ पे यमुना महारानी जी के लिए साड़ी, उनका मनोरथ होता है, चढ़ाई जाती हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, वो जो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, वो वाला ब्रिज जो सामने दिखाई दे रहा है, ये मथुरा जंक्शन से वहाँ के लिए है, जहाँ पर ट्रेन चलती हैं। यहाँ पे जो लखनऊ के लिए, प्रयागराज के लिए वो वाला ब्रिज है, शायद आप आए होंगे लखनऊ से या प्रयागराज से, तो आपने देखा होगा ये। यहाँ से अगर आप जब वहाँ से आते हो तो आपको ये विश्राम घाट और ये सती घाट, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, आप आराम से वहाँ से देख सकते हो। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए,